हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चेस्ट में दर्द होना किसी को भी परेशानी में डाल सकता है। हमने चेस्ट पेन पर पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, जिसका कि लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, यदि आपको कुछ निगलने पर या भोजन करते समय या कुछ खाते पीते समय निगलने पर चेस्ट में दर्द होता है तो यह किस कारण से हो सकता है। दोस्तों, जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स की समस्या होती है या हार्ट बर्न की समस्या होती है तो उन्हें निगलने में चेस्ट में दर्द हो सकता है। ऐसे लोगों को चेस्ट में अटका अटका सा महसूस होता है कि कुछ अटक रहा हो। साथ में दूसरे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि जी मिचलाना, उल्टी आना, निगलने में परेशानी होना। तो यदि आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स की समस्या है तो डॉक्टर से इसके लिए आपको ज़रूरी दवा लेनी चाहिए। कुछ निगलने के बाद सीने में या चेस्ट में दर्द होने की समस्या उन लोगों को भी हो सकती है जिन्हें कि इसोफेजाइटिस की समस्या हो, यानी कि उनकी फूड पाइप में आहार की जो नली होती है उसमें किसी प्रकार की सूजन या अल्सर की समस्या हो। तो व्यक्ति को निगलने में चेस्ट में पेन की समस्या आ सकती है। यदि आपके फूड पाइप में या आहार की नली के अंदर सूजन की समस्या आ गई है तो आपको दूसरे लक्षण भी महसूस हो सकते हैं, जैसे कि चेस्ट में या गले में जलन रहना, फूड जो आप खाते हैं वह अटकना आपके चेस्ट के अंदर या गले में। इसके अलावा निगला हुआ भोजन दोबारा बाहर आ जाना इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। आपकी फूड पाइप में सूजन की समस्या कई कारणों से हो सकती है, जैसे दवाइयों के सेवन से या फिर किसी प्रकार की इन्फेक्शन से, एसिड रिफ्लक्स की समस्या से या फूड एलर्जी के कारण। दोस्तों, निगलने पर चेस्ट के अंदर दर्द होने का तीसरा कारण होता है हाइटल हर्निया की समस्या होना। दोस्तों, एक जगह होती है जहां पर आपका आमाशय यानी स्टमक आपके इसोफेगस यानी कि फूड पाइप से मिलता है। यदि इसी कारण से आपका स्टमक या आमाशय आपके डायफ्राम के ऊपर वाले हिस्से में चला जाए तो ऐसी स्थिति को, इस कंडीशन को हाइटल हर्निया नाम से जाना जाता है। यदि आपको हाइटल हर्निया की समस्या है तो आपको चेस्ट में दर्द होगा, एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो सकती है और कुछ निगलने पर आपको चेस्ट में पेन हो सकता है। आपको निगलने में जो परेशानी होती है उसके साथ साथ भोजन बाहर भी आ सकता है आपका चबाया हुआ, निकला हुआ। इसके अलावा सांस चढ़ना, खून की उल्टी होना भी हाइटल हर्निया के प्रमुख लक्षण होते हैं। यदि किसी कारण से आपकी इसोफेगस यानी कि फूड पाइप जो होती है वह सिकुड़ जाए तो ऐसे में को निगलने में परेशानी होती है, खासकर सॉलिड फूड जो होते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे चेस्ट में कुछ अटका हुआ हो, आपका वेट लॉस हो सकता है। दोस्तों, फूड पाइप यानी इसोफेगस के सिकुड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपके इसोफेगस में किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाना, गर्ड या एसिड रिफ्लक्स की समस्या होना। कभी कभी आपकी फूड पाइप में ट्यूमर या गांठ बन जाने के कारण भी आपकी इसोफेगस सिकुड़ जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है इसोफेगस के अंदर। तो सही कारण का पता लगाने के लिए डॉक्टर से जांच करवानी ज़रूरी होती है। दोस्तों, जब आप नॉर्मल कुछ खाते पीते हैं तब आपकी इसोफेगस यानी कि फूड पाइप सिकुड़ती है, फैलती है और उसके कारण आपका भोजन आगे की तरफ सरकता रहता है। लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण आपकी इसोफेगस की फैलने सिकुड़ने की क्षमता कम हो जाती है या बंद हो जाती है। तो ऐसे में आपको चेस्ट में, गले में खाना खाने के बाद कुछ अटका हुआ महसूस होता है, भोजन बाहर आ सकता है, आपको निगलने में समस्या होती है, चेस्ट में पेन की समस्या होती है निगलने पर चेस्ट में दर्द होने की समस्या एक और खतरनाक कारण की हो सकती है, जिसमें कि आपकी इसोफेगस फट जाए अंदर से। ऐसा जब होता है तो निगलने में आपको चेस्ट में पेन होता है, आपकी दिल की धड़कन तेज रहती है, आपको उल्टी आ सकती है जिसमें कि खून हो, फीवर और आपको खांसी की समस्या हो सकती है। ऐसे लक्षण नज़र आए तो तुरंत किसी अच्छे पेट के डॉक्टर से अपनी जांच करवानी चाहिए। दोस्तों, ये वो कारण होते हैं जिनके कारण आपको निगलने पर चेस्ट में पेन की समस्या हो सकती है। तो सही कारण का पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सही कारण का पता लगने पर ही आपको सही ट्रीटमेंट मिल सकता है। तो आमतौर पर डॉक्टर इसको पता लगाने के लिए एंडोस्कोपी, एक्सरे आदि करता है।
दोस्तों, सही कारण का पता चलने पर ही आपको सही दवा मिलती है। जैसे कि एसिड रिफ्लक्स की समस्या है तो एसिडिटी को घटाने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं आपको। इसके अलावा आपको स्टीरॉयड युक्त दवाइयाँ दी जा सकती हैं यदि आपके फूड पाइप में इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग की समस्या है। इसी प्रकार ईसोफेगस के अंदर इन्फेक्शन की समस्या है तो आपको एंटीबायोटिक दी जा सकती है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जब आपको सर्जरी करवाने की भी सलाह दी जा सकती है, जैसे कि हर्निया की समस्या होना या आपके फूड पाइप के अंदर कोई ट्यूमर या गांठ की समस्या होना। तो यदि आप निकलने और चेस्ट पेन से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपनी जाँच करवानी चाहिए। यदि आपके साथ कभी कभार ऐसा होता है तो आपको अपनी खान पान की आदतों में परिवर्तन करना चाहिए, जैसे कि अधिक मात्रा में चाय, कॉफ़ी, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन को थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना चाहिए और भोजन को अच्छी तरह से चबाकर ही निगलना चाहिए। आपको ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए जो कि आपको एसिडिटी की समस्या दें। और यदि आपका वजन अधिक है तो आपको रोज़ाना एक्सरसाइज करके अपने वेट को कंट्रोल में रखने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।